Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ओके, टेली मसाला पे का मदर्स डे हो और हमारे साथ टेलीविजन की सबसे प्यारी मॉम और बेटी की जोड़ी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। जी, हमारे साथ है आपकी चहेती, आई मीन टेली मसाला की चहेती कांची सिंह और उनकी मॉम हमारे साथ है। कांची, क्या कहना चाहेंगी? हर स्टोरी अधूरी होती है टेली मसाला पे आपके बिना। जी हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आई रियली वांट टू से दिस कि कुछ भी हो, बीट होली, बीट एनी फेस्टिवल, नेहा हमेशा मुझे फ़ोन करती है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कोई भी फेस्टिवल आप लोगों के साथ मनाना तो बनता ही है ऑब्वियसली, बिकॉज टेली मसाला सो स्पेशल। मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, मदर्स डे है एंड हम बिल्कुल नए नहीं है, तो बिल्कुल बनाना तो बनता ही है और इट्स हर डे टुडे, तो मम्मी को पैम्पर करना तो बनता है। आंटी को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है कांची और आंटी की, तो हम ये ऑफ कैमरा ज़रूर एक दूसरे से हम लोग ने काफ़ी सारी मस्ती की है, पर ऑन कैमरा इनका रिलेशन कैसा है ये ज़रूर हम आप तक बताएंगे। आंटी, सारे पोल खोलेंगे आज कांची की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी, क्योंकि हम दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। इस ये अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती, मैं अपनी सारी बातें इससे शेयर करती। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बीट एनी फ्रेंड, बीट एनी सीक्रेट, मेरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मम्मी को नहीं पता रहती। आई मेक इट अ पॉइंट कि वो कितनी भी गलत से गलत चीज़ हो, उस टाइम पे नहीं बट आफ्टर अ पॉइंट मैं जाके मम्मी को बताती हूँ। ज़्यादा क्लोज मैं मम्मी से हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल मम्मी से हूँ ऑब्वियसली, तो कुछ भी हो मम्मी को पता रहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है, शी नोज एवरीथिंग। ओके, तो हम यहाँ पर हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे केक के साथ, क्योंकि मदर्स डे है तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है और उसके साथ खूब सारी बातें करी है। 2-3 महीने हो चुके हैं मैंने बिल्कुल स्वीट नहीं खाया है, जितने भी बर्थडेज रहे, जितने लोगों के बर्थडेज रहे, मैं से मुंह से टच कर लेती थी। सो आज मदर्स डे है एंड इतना अमेजिंग केक है, वाह। मेरे बर्थडे पे तो अच्छा केक नहीं लाया था पर नहीं, केक बहुत ही ज़्यादा, इज इट रेड वेलवेट? यस। शिट, वाओ वाओ, मम्मा बनता है। और ये झूठ बोल रही है, मेरे बर्थडे पे, ये अपने बर्थडे पे कनाडा में थी, रोहन ने इसको इतना अच्छा केक खिलाया था, इसने मुझे लाइव वहाँ से बताया। हाँ, मतलब कप केक खाया था मैंने छोटा सा, वो तो बर्थडे पे ऑब्वियसली मुंह मीठा करना तो बनता ही है, बट मम्मा 1-2 किलो आज बनता है बनता है, मम्मी बोली बनता है। केक के बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, सो हम स्पेशली कहाँ हैं कांजी, ये आपका ये मदर्स डे स्पेशल सेलिब्रेट करने? सबसे पहले आई लव दिस प्लेस बिकॉज इट्स क्लोज टू माई हाउस, दिस प्लेस इज कॉल्ड सिन सिटी एंड इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस, लाइक एम्बियंस बहुत प्यारा है, स्पेशली द आउटडोर एरिया इज अमेजिंग। दिन हो रहा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है मुंबई में जैसा सब जानते हैं, सो वी आर डूइंग इट इन द इंडोर एरिया, बट ऑनेस्टली मुझे आउटडोर करना था, सो आउटडोर एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा है, वहाँ पर हम पिक्चर्स क्लिक करवाने वाले। सो आई रियली लव दिस प्लेस एंड बहुत ही हैपनिंग जगह है एंड आई डोंट नो कि रात के टाइम पे यहाँ क्या होता है, बट आई डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम, मैं वही देख रही थी अंदर घुसते कि यहाँ पार्टी करनी पड़ेगी। तो केक कट करते हैं और उसके साथ खूब सारी बातें करेंगे खाना खाते हुए। जैसा मैंने बोला, बीट एनी थिंग, बीट एनी फेस्टिवल, यू गाइस मेक इट सो स्पेशल एंड मदर्स डे है ना, हमारा इतना यू नो क्लोज बॉन्ड है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अप्लाई मैंने 2 महीने बाद केक खाया, मम्मी ने केक खाया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, कांची और मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं हर जगह, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह और हर फेस्टिवल वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे फ्रेंड्स, नॉट मदर डे, फ्रेंडशिप्स डे, कम ऑन फ्रेंडशिप्स डे आल्सो, ये हमारे में स्पेशल होना चाहिए। कांची, कभी लेकिन ये डर लगा है मम्मी को कोई भी ऐसी चीज बताने के लिए, या मॉम ऐसा लगा है कि मॉम इस चीज पे मुझे डांट सकती है? मुझे बहुत मार पड़ी है, मुझे आज भी मार पड़ती है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, और मैं बहुत डरती हूँ, मैं पापा से ज़्यादा मम्मी से डरती हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं मम्मी को आके सब बताती हूँ एंड शी अंडरस्टैंड्स, मतलब क्योंकि वो भी एक
एज से गए तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए. बीट एनी थिंग, बीट योर फ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर पार्टी, एनी थिंग, यू शुड गो टेल योर पेरेंट्स. एंड आई गेस पेरेंट्स सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. लाइक आज मैं जो कुछ भी हूँ पेरेंट्स सपोर्ट की वजह से, क्योंकि अगर ये मेरे सपोर्ट नहीं करते, इनकरेज नहीं करते, तो आई डोंट थिंक कि मैं जहाँ आज वहाँ होती. ना प्रेशर है कि यू नो काम एंड वो सब चीज़ों का, लाइक द वेरी इजी गोइंग पीपल. सो बहुत ही अच्छा लगता है. एंड डर बहुत लगता है. मुझे इतनी मार पड़ी है. मुझे डीओ होता है ना, डीओ से मार पड़ी है. मुझे बेल्ट से मार पड़ी है. मुझे झाड़ू से मार मुझे पड़ी है. सो जी हाँ. आंटी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है आपको कांची के ऊपर, कि ये चीज़ कैसे कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती एवरी डे का, मतलब 11 बजे से मुझे चिल्लाना पड़ता है तो 2 बजे कांची तब उठती है. 11 बजे कांची उठ सबसे गंदी आदत. और इतनी मुझे मम्मी की सबसे बुरी आदत पता क्या लगती, सुबह 10 बजे ना वो पूरे कर्टन्स, मेरे कर्टन्स ऐसे हैं ना कि पूरा अंधेरा रहता है रूम में. इट्स लाइक डार्क. अगर दिन भी हो रहा होगा ना तो ऐसे लगेगा कि रात हो रही है. मम्मी सुबह सुबह मेरे घर में लाइट बहुत आती है, मम्मी सुबह सुबह वो खोल देती है ओह गॉड, और एसी बंद कर देती है. तो मुझे इतनी गर्मी और लाइट आ रही है बहुत, फिर नींद खुली जाती है ऑटोमेटिकली. अच्छा, ये जरूर जानना चाहूँगी कांची कितनी ज़्यादा मस्ती खोर थी बचपन में, कि ऐसी ही थी जैसी अभी. बचपन में मैं अभी भी बहुत मस्ती बहुत जैसे मस्ती के किस्से जो माँ बेटी ने मिलके किए हो. मेरी नहीं नहीं मेरी मॉम और मेरे बीच में पता है एक कनेक्शन है. लाइक सपोज कोई तीसरा इंसान है और उसने कुछ उल्टा बोल दिया, मैं मम्मी को देखूंगी, मम्मी मुझे देखी कर हंस देंगे. हम समझ जाते हैं कि मतलब हमने कहीं झूठ बोला है और उसने हमारे सामने बोला, तो हम एक दूसरे को देख के हंस देते हैं. ये हमारे साथ बहुत बार होता है. ऐसे झूठ में साथ देती है कभी कभी. तो हमें ऐसा ही होना चाहिए मुझे लगता है, कि यू नो आई गेस एक माँ में एक सबसे अच्छी दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो दुनिया की बेस्ट चीज़ है. अच्छा, जैसे हमको पता है कि कांची को शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और आंटी आपको भी होगा ही. पूछोगी नहीं कहाँ से आए शॉपिंग का. मेरी मम्मी कपड़े रिपीट नहीं करती, एक कपड़ा रिपीट नहीं करती. आई स्वेयर मैं बिल्कुल एग्जैजरेटिंग करी, लोगों को लगा बकवास करी. नहीं, मम्मी कपड़े रिपीट नहीं करती, मैं फिर भी करती हूँ. पता नहीं क्या शौक है. नहीं, ये मेरी मम्मी से आया. मेरी मम्मी भी ना नानी, मतलब कांची की नानी, वो बहुत शौकीन थी कपड़ों की. वही चीज़ मुझ में आई और वही फिर कांची में, और तो ये परंपरा चली आ रही है, अब आगे कांची के बच्चों में आएगी. शॉपिंग के लिए जाते हैं, कभी किसी एक कपड़े को लेके जज आप दोनों का ये हुआ कि नहीं ये खरीदना है, कांची ने कहा है कि नहीं ये मैं नहीं खरीदूं. सो बेसिकली हमें ऐसा होता है कि जो कपड़े मैं लेती हूँ ना, मम्मी को बड़े पसंद आते हैं वो, और मैं हूँ पतली सी. ठीक है, अब मम्मी को ऐसा लगता है, मम्मी ना मुझे देख के ऐसे करती है, अरे यार मैं भी पतली हो जाऊंगी. ऐसे ना अपना ऐसे 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 चेहरा दबाती, इनको लगता है कि ऐसे दबाने से ना ऐसे जॉलाइन आ जाएगी. और आज भी ना जब ये तैयार हो रही थी ना, तो एक ब्लैक कलर का ना उन्होंने वन पीस पहन लिया था बॉडी फिटिंग. तो मेरी मेड जो थी बोलती, भाभी अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करो कपड़े. तो मम्मी बोलती, तू आ कल काम पे, तुझे बताती हूँ. तो इनको ना बेसिकली सारे ना एकदम ऐसे यंग कपड़े पहनने, बट बॉडी भी वैसी चाहिए. तो मैं बोलती फिर वर्क करो, पर नहीं खाना सब खाना है. अभी जैसे कि मैंने इनको बोला जिम ज्वाइन करने के लिए, तो बोलती नहीं मुझसे प्रोटीन नहीं पिया जाएगा, मुझसे ये नहीं हो जाएगा. तो 100 तो नखरे. कांची जो बोल रही है ना सही है, मैं जाती हूँ वॉक पे, ऐसा नहीं है. पर इसके जो चीज़ें हैं एक एक घंटे जिम में करना, वो मेरे से नहीं होगा. मैं उस चीज़ में थोड़ी आलसी हूँ. नहीं ठीक है, बट ऑब्वियसली उनकी हेल्थ भी, वो एज भी नहीं है कि मैं वो इतना करे, बट वो तो अच्छा, करो रोज. सॉरी ये तो मत बोलो. देखो अभी से बूढ़ा बना रही है. अच्छा कांची, हर बच्चे का एक अपना याद होती है, जब वो स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं, कभी ना कभी ऐसा होता है मॉम के कपड़े ज़रूर पहनते किसी चीज़ों में लेकर, कभी ये मौका आपके. हाँ साड़ी पहनी है ना मैंने, मेरे स्कूल में टीचर्स डे था और मैंने मम्मी की साड़ी पहनी थी. फिर मेरे एक फ्रेंड की भाई की शादी थी, उसमें मैंने मम्मी की साड़ी पहनी थी. ऑडिशन पे पहनी है साड़ियाँ, बिकॉज आई डोंट ओन एनी साड़ी, मैं साड़ी नहीं पहनती पर्सनली. तो जब भी मैं एक दो बार जो मैंने साड़ी पहनी है, वो मम्मी की पहनी है, और मेरी मम्मी के पास बहुत अमेजिंग साड़ी का कलेक्शन है. ओके, अब हम खाने का इंतजार कर रहे हैं, खाना खाते खाते कुछ गपशप करेंगे खाने से रिलेटेड. ओह यार लेट्स ईट. कांची की और चीज़ें बताऊंगी. इसका बचपन से मतलब 4-5 इयर्स की तब से इतनी मुझसे डरती थी. एक बार है ना नीचे साइकिल चला रही थी बिल्डिंग में, और इसका पैर कट गया था. पैर कट गया था तो इसको नंबर प्लेट से पैर में घुस गई थी.
तो इतना इसको डर लगा कि यदि मैं ऊपर गई और मेरी मम्मी ने देखा तो मारेगी, तो खून बहता रहा तो बिल्डिंग के बच्चे चिल्लाए आंटी कांची का पैर कट गया। तब मैंने जाके इसका पैर देखा तो मैं तुरंत हॉस्पिटल ले गई और बहुत रोई। मैंने कहा अब क्या होगा, स्टिचेस आए, आज भी वो निशान है। तो इसको मेरा इतना डर है, ऐसा नहीं है। ये ड्राइविंग की बात हो रही है, कांची को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छा ड्राइव करती है कांची। एज 16 में आपने ड्राइव करना, फर्स्ट टाइम आपने कार लेकर बाहर निकली थी, क्या कहना चाहेंगे आंटी? उस वक्त आपने रोका था कि कांची अभी मत ड्राइव कर, थोड़ी और बड़ी। नहीं, मेरे भाई के घर पे गई थी तो इसने वहाँ सीखा था, पर इसके फादर मना करते थे, पर मैंने कहा नहीं नहीं जाने दो बच्चे, मैं डर के आगे जीते। तो मम्मा ने बोला चलाओ चलाओ चलाओ। तो मैंने इंदौर में हाईवे पे मैं चलाती थी और फिर मम्मी ने गाड़ी ली। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी ड्राइवर है, सो मम्मा भी बहुत अच्छा ड्राइव करती है कार। तो हम सब ड्राइवर है, हमारे घर में इसलिए ड्राइवर नहीं, हम सब गाड़ी चलाते हैं। चलो अब खाते हैं। हाँ चलो। स्पेशल तो आप प्लीज़ कुछ मत करो। अगर आप उन्हें आजकल जो झगड़े होते हैं पेरेंट्स के बीच में और बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, आप रिस्पेक्ट दें तो आई गेस वही सबसे बड़ी गिफ्ट होगी पेरेंट्स के लिए। झगड़े होते हैं सब में होते हैं, मेरी और मेरी मॉम में तो रोज़ झगड़े होते हैं, इतने झगड़े होते हैं कि शायद किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी नहीं होते होंगे। पर वही है कि हम हक रखते हैं झगड़े करने का, हम हक रखते हैं एक दूसरे को बोलने का, और कोई बाहर वाला ये नहीं कर सकता, हमेशा याद रखना। और हम सॉरी भी बोल देते हैं, मना भी लेते हैं, और ऐसा होना चाहिए, मतलब सब कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए हर रिलेशनशिप में। झगड़े एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए झगड़े ज़रूरी है, तो झगड़ा भी करो, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो दर्जा है, वो माँ का है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं स्पेशल आज अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ, लास्ट ईयर ही मेरी मम्मी एक्सपायर हुई हैं, तो माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, भगवान के बाद यदि कोई है तो वो है माँ। हाँ, मेरी मम्मी बहुत क्लोज थी, मेरी मम्मी के 7 ब्रदर सिस्टर्स हैं एंड मेरी मम्मी सबसे छोटी है, लेकिन सबसे क्लोज वो अपनी मम्मी से थी। और नानी शी इज़ नॉट हियर, लास्ट ईयर यू आर, सो वी मिस हर ऑल्सो। तो हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम माई मॉम, from me to my mom, and from my mom to her mom, and from us to your moms. So happy Mother's Day. Thank you so much, Shelly Masala. Bahut hi special tha ye Mother's Day. Aur, yeah.